मथुरा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भोलानाथ यादव मीडिया से हुए रूबरू, राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को करेंगे भव्य कार्यक्रम, 500 किलो लड्डू वितरण का कार्यक्रम भोलानाथ यादव दवाई वाले के द्वारा उनके समस्त टीम के द्वारा किया जाएगा। भोला मार्केट पर भोलानाथ यादव एक समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मथुरा के मेडिकल यूनियन पे, जो कि मेडिकल यूनियन होली गेट के हृदय स्थल पे कहे जाने वाले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भोलानाथ यादव। हाँ जी भोलानाथ यादव जी, आपका प्रदेश खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने जय श्री राम का पट्टा ओढ़ रखा है, इसके पीछे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आज हमारे साथ में मेरे उपाध्यक्ष अमित जी और मेरे कोषाध्यक्ष दिनेश जैन जी और सभी हमारे यूनियन के हमारे महासचिव जी, सभी हमारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए सवेरे और सभी ने मुझे जो है जय श्री राम का पटका पहनाकर आज मेरा सुबह का जो है भगवान की भक्ति में मुझे जो लीन किया। जय श्री राम जो है, भगवान रामचंद्र जी जो हैं हमारे, मैंने एक दिन पहले भी रावत जी आपको दिखाया था कि हम लोग जो है क्रेस्ट की नगरी में रहते हैं और राम के बाद में क्रेस्ट का अवतार हुआ, क्रेस्ट के हम वंशज हैं। तो हम तो ये मान के चलिए कि शुरू से ही राम और क्रेस्ट और सभी देवताओं को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं और मानते रहेंगे। और क्योंकि हमारे अंदर जो प्राण है वो इन्हीं के दिए हुए तो हैं, जैसे कि चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे वो समाज सेवा का मामला हो, उसमें भोलानाथ यादव और भोलानाथ यादव का परिवार सबसे आगे रहता है। इसी श्रृंखला में आपने सदर में क्या व्यवस्था कर रखी है, झंडों की, पटकों की, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए 22 तारीख को हमारी कैबिनेट एसोसिएशन की तरफ से लड्डुओं का आयोजन किया गया बड़ी संख्या में। वो लड्डू हम जो है संजय बाजार के सामने रखकर जो है और बांटेंगे। शाम को वो प्रोग्राम हमने 4 बजे का रखा है और 4 बजे से जिससे प्राण प्रतिष्ठा होगी रामचंद्र जी की, उसके बाद में ये आयोजन का प्रोग्राम दवाई वालों की तरफ से किया गया है। और जो भी हमारे सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष जी हैं उन्होंने सब झंडे की, लड्डुओं की, सबकी व्यवस्था कर रखी है और उसी विषय में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं और उसी में विचार विमर्श कर रहे हैं कि 22 तारीख को क्या आयोजन कितना बड़ा किया जाए, जो एक दवाई वालों की तरफ से जो आप लोगों को गरीबों के हित में कुछ हो जाए। उपाध्यक्ष जी बताएं। रामचंद्र जी का मंदिर 500 साल बाद ये हमारे मोदी जी ने बनवाया है, इसके लिए सनातन धर्म के प्रति और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात हमारे लिए हिंदुओं के लिए नहीं होगी। तो बाकी तुम्हारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। बताया भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये बहुत ही बड़ा उत्सव हमारे देश में होने जा रहा है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि एक दिवाली की तरह हम इस उत्सव को मनाएं और ठाकुर जी अपने घरों के बाहर, अपने प्रतिष्ठानों के बाहर हम लोग दीपदान करें और खूब धूमधाम से इस उत्सव का आनंद लें। कोषाध्यक्ष जी बताएं। भगवान राम किसी एक के नहीं है, भगवान राम सभी के हैं, इसलिए सभी इस पर्व को बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं और इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, इसको एक धर्म के नाते ही रखा जाए। जय श्री राम। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या जब वापस आए थे वनवास काट के, तब मनाता, अब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री रामचंद्र जी की, वो 500 साल बाद हो रही है। हमारा देश के 140 करोड़ वासियों से निवेदन है कि वे हर शाम को 22 तारीख को दिवाली की तरह मनाए इस दिन को और अपने यहाँ बहुत धूमधाम से दिवाली तो बनती है। साल 2 दिवाली बनेंगी, एक दिवाली बनी थी 12 नवंबर को, एक दिवाली बनेगी 22 जनवरी 2024 को। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सब देख रहे हैं